अस्सलाम वालेकुम। आज इस ट्यूटोरियल में मैं आपको मोबाइल कवर बनाना सिखाऊंगी। उसके लिए मैं बेली वूल यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी वूल यूज़ कर सकते हैं। आपको डीके मिलती है, मिंटा मिलती है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। और 4 mm हुक यूज़ कर रही हूँ। तो अगर आपके पास 4 mm नहीं है तो आप 3.5 से भी बना सकते हैं, 3 से भी बना सकते हैं। आपके पास कोई भी साइज़ का हुक है, आप मोबाइल कवर बना सकते हैं उससे। अच्छा, ये मैंने चेन्स ली हैं। चेन्स लेना मैं ऑलरेडी आप लोगों को सिखा चुकी हूँ। आपने इतनी लंबी चेन्स लेनी है कि आपका मोबाइल जो है राउंड में इस चेन्स जो है मोबाइल के राउंड के अकॉर्डिंग आपने लेनी है, इस तरह से। ठीक है, इतनी इतनी लंबी चेन्स हो कि आपका मोबाइल इस तरह से रैप हो जाए। आपको इस तरह से राउंड में काम करना है। मेरी 25 चेन्स बनी थी, आपकी ज़्यादा बन सकती हैं, कम बन सकती हैं। ये मैं 25 चेन्स ली थी। अच्छा, उससे पहले जो हमने स्ट्रैंड जो है आपका जो स्ट्रैंड होता है जो हम टेल छोड़ते हैं, ये आपने ज़रा लंबी छोड़नी है क्योंकि इसको हम बाद में सीव इन करेंगे। इसलिए आप लंबी सी टेल छोड़ के देन चेन स्टार्ट कीजिएगा। और चेन्स जो आपके पास मे बी ज़्यादा बने, कम बने, मेरी 25 बनी है, आपकी ज़्यादा भी बन सकती हैं, 30 बन सकती हैं, 35 बन सकती हैं, 20 बन सकती हैं। अच्छा, क्या करेंगे, आपने जब अपने मोबाइल के अकॉर्डिंग चेन ले लेनी है तो हम इसे फर्स्ट चेन में स्लिप स्टिच करेंगे। लेकिन आपने एक चीज़ का ख्याल करना है कि आपकी जो चेन है ये कहीं पे भी इसमें कर्व ना आए, मुड़े ना। ठीक है, या आपने स्ट्रेट इस तरह से इसको ज्वाइन करना है अपनी फर्स्ट चेन के साथ, स्लिप स्टिच कर देना। स्लिप स्टिच करना आपको ऑलरेडी आता है। ठीक है, हम इस फर्स्ट चेन में इंसर्ट करेंगे हुक और हम यहाँ पे कर देंगे स्लिप स्टिच। स्लिप स्टिच मैं ऑलरेडी आप लोगों को सिखा चुकी हूँ। हमने जो मोबाइल कवर बनाना है वो हम बनाएंगे सिंगल क्रोशे में। सिंगल क्रोशे के लिए हम चेन वन ली और फर्स्ट चेन में हम लोग बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। सिंगल क्रोशे ऑलरेडी मैं आपको सिखा चुकी हूँ। ठीक है, ये देखें पहला सिंगल। अगर मेरी 25 चेन्स हैं तो मुझे इनके ऊपर 25 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। अगर मेरी चेन 30 होती मैं 30 सिंगल क्रोशिया बनाती। अगर आपकी आपकी जितनी चेन्स बनेंगी मोबाइल के अकॉर्डिंग उतनी ही आपके ऊपर सिंगल क्रोशिया आपके होने चाहिए। ठीक है, तो आपने काउंटिंग का ध्यान रखना है। मेरी 25 चेन्स बनी है, 25 चेन्स बनी है, तो मेरे सिंगल क्रोशिया भी बनेंगे 25। इस तरह से आपने अपनी चेन में सिंगल क्रोशिया करते जाना है। जी, इस तरह से आपने अपनी हर चेन में सिंगल क्रोशिया करना है। मेरे आपकी अगर 30 चेन्स है तो आपके 30 सिंगल क्रोशिया बनेंगे। मेरी 25 चेन्स थी तो मेरा जो है वो 25 सिंगल क्रोशिया मैं बनाऊंगी। ठीक है, मैं 25 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट करके आगे आपको गाइड करती हूँ। जी, ये मैंने राउंड में 25 सिंगल क्रोशिया बना लिए हैं। अब मुझे क्या करना है, जो पहला सिंगल क्रोशिया है उसके साथ मैं इसको स्लिप स्टिच कर दूंगी। स्लिप स्टिच का मेथड आपको पता है, ये आपके पास ब्रेड के दोनों लूप्स आपके हुक पे होने चाहिए। इस तरह से हम इसे निकालेंगे और ये हम इसे इस तरह से पुल थ्रू कर देंगे। ठीक है, ये मेरा स्लिप स्टिच हो गया। इस तरह से ये 25 सिंगल क्रोशिया मैंने अपनी चेन पे बना लिए। अब अगेन न्यू रो स्टार्ट करनी है और सिंगल क्रोशिया ही बनेगा तो हम लोग क्या करेंगे, अगेन जी हम लोग अगेन सिंगल क्रोशिया करने के लिए हम लोग चेन वन लेते हैं। चेन वन लेंगे और अगेन पहले से ये फर्स्ट सिंगल क्रोशिया मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, इसमें हम अगेन फर्स्ट सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। मतलब हर सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया। 25 सिंगल क्रोशिया बनाए थे मैंने, ये देखें। तो इस तरह से आपने ईच सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, ये थर्ड, ये फोर, फाइव, सिक्स, इस तरह से आपने हर सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाना है। और इस तरह से आपकी ये रो बढ़ती जाएगी। मेरी सेकंड रो है। ठीक है, 25 सिंगल क्रोशे, जितनी आपकी चेन्स की काउंटिंग होगी, जितने आपके सिंगल क्रोशे बनेंगे आपके उतने ही काउंटिंग ख़राब नहीं होने चाहिए, कम ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो मैं अब इस पे सेकंड रो अगेन सिंगल क्रोशे की बनाऊंगी और जब मेरे 25 सिंगल क्रोशे बन जाएंगे तो मैं अगेन फर्स्ट सिंगल क्रोशे से इसको कर दूंगी स्लिप स्टिच और फिर न्यू रो स्टार्ट कर दूंगी चेन वन से। फिर न्यू रो, फिर 25 सिंगल क्रोशे, फिर न्यू रो स्टार्ट करूँगी, फिर 25 सिंगल क्रोशिया। ठीक है, इस तरह से अगर आपके 30 हैं, 25 हैं, 20 हैं, 22 हैं, जितने भी सिंगल क्रोशिया आपके, आपने इसी तरह से इसको बढ़ाते जाना है। इतना बढ़ाना है कि आपके आपके मोबाइल की लेंथ कंप्लीट हो जाए। लाइक जैसे ये देखें, मैंने अपने ये मोबाइल के हिसाब से ये देखें, मैंने
जो चेन्स ली थी। इस तरह से अब मैं इसको, मेरी सेकंड रो बन रही थी, इस तरह से मैं इसको कंप्लीट करूँगी। इसको मैं बढ़ाती जाऊँगी और इसको आपने इतना बढ़ाना है कि आपका मोबाइल कवर हो जाए, ठीक है। तो मेथड वही है, जितने सिंगल क्रोशिया होंगे हर सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया, लास्ट पे करेंगे स्लिप स्टिच, स्लिप स्टिच के बाद फिर न्यू रो स्टार्ट करेंगे चेन वन से और फिर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर जितने आपके सिंगल क्रोशिया बनेंगे, अगेन जितनी आपकी काउंटिंग है वो ख़राब नहीं होनी चाहिए, फिर एंड पे उसको स्लिप स्टिच करेंगे, फिर न्यू रो स्टार्ट करेंगे। इस तरह से आपकी ये रोज़ बढ़ती जाएंगी और ये इसको आपने अपने मोबाइल के साइज़ के हिसाब से कंप्लीट करना है। इस तरह से आप इसे कंप्लीट करें, देन मैं इंशाल्लाह आपको कंप्लीट करके आगे गाइड करती हूँ जी। ये देखें, मैंने इसी तरह से सिंगल क्रोशिए के थ्रू रोज़ बढ़ाई हैं और अपने मोबाइल के साइज़ के हिसाब से मैंने इसको, ये मेरा लास्ट सिंगल क्रोशिया है, ठीक है, 25th, और अब मैं इसको स्लिप स्टिच कर दूंगी फर्स्ट सिंगल क्रोशिया में और यहाँ से मैं इस वूल को कर दूंगी कट, ठीक है। अब ये देखें, ये मेरे मोबाइल के साइज़ के हिसाब से है। ठीक है, ये देखें मेरे मोबाइल के साइज़ के हिसाब से मैंने बनाया है इसको। अब क्या करेंगे हम, अब हम आपके पास अगर न्यू कलर है या तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आप कोई भी कलर, अगर आप नहीं है तो आप यही कलर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं ये ब्राउन कलर यूज़ कर रही हूँ और मैं एक रो जो है इस ब्राउन कलर से बनाऊँगी। अगर आपके पास नहीं है तो आप ये लास्ट रो भी उसी सेम शेड से बनाएंगे, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये जहाँ भी हमारी रो एंड होती है, ये हमारा आपने ध्यान रखना है कि ये मोबाइल की बैक साइड है और ये फ्रंट है जो नीट है, ठीक है, लेकिन जहाँ पे ज्वाइनिंग हो रही है वो बैक साइड होगी। हम इस तरह से इसको ज्वाइन करेंगे जहाँ पे हमने स्लिप स्टिच किया था आखिरी फर्स्ट सिंगल क्रोशिया में, हम वहीं पे अगेन हुक इंसर्ट करेंगे और यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया के लिए हम लोग क्या करेंगे, हुक इंसर्ट करेंगे, यार्न ओवर किया, पुल किया लूप को, दो मेरे पास लूप है हुक पे, यार्न ओवर किया और इसे इस तरह से निकाल दिया। ठीक है, एक इसी तरह से इसके ऊपर लास्ट रो पे अगेन हम लोग सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और जितनी भी टेल्स हैं उसे हम लोग कट करेंगे इन दी एंड। इस तरह से मैं सिंगल क्रोशिया बनाती जाऊंगी और जब मैं फ्रंट साइड पे आऊंगी तो वहाँ पे हम लोग बटन लगाएंगे, लेकिन एक लास्ट रो हम लोग इसकी सिंगल क्रोशिया की बनाएंगे। इसी तरह से अगर मेरे 25 सिंगल क्रोशिया बने थे तो मैं अब भी 25 ही बनेंगे, ठीक है, लेकिन ये लास्ट पे थोड़ा सा चेंज होगा। लास्ट पे मैं इस पे एक लूप बनाऊंगी क्योंकि आगे मुझे बटन अटैच करना है, आगे फ्रंट साइड पे मैंने बटन अटैच करना है, इसलिए बैक साइड पे मैं वो लूप बनाऊंगी जो कि बटन को ग्रिप करे, ठीक है, ताकि हमारा मोबाइल जो है वो कवर की ग्रिप में हो। ये देखिए, मैंने रो कंप्लीट कर ली है, थोड़ा सा रह गया। अब मैं लास्ट पे क्या करूँगी, जो मेरा लास्ट सिंगल क्रोशिया होगा, देखिए ये मेरा लास्ट सिंगल क्रोशिया है। अब मैं क्या करूँगी, इसको पहले सिंगल क्रोशिया के साथ स्लिप स्टिच नहीं करूँगी, पहले सिंगल क्रोशिया के साथ इसको स्लिप स्टिच नहीं करूँगी, मैं यहाँ पे चेन्स लूँगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इतनी लंबी कि अगर मैं आगे बटन लगाती हूँ तो ये इसको ग्रिप कर जाए, ठीक है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 10 बनाई थी, 10 में और बनाऊंगी। चलें 18 कर लेते हैं। और मैं इसको अब चेन्स बनाने के बाद इसको पहले सिंगल क्रोशिया के साथ मैं इसको कर दूंगी स्लिप स्टिच और यहाँ पे मैं अपने यार्न को कट कर दूंगी। लाइक अगर आप सेम कलर वूल यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये दोबारा से नया कलर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, आप वहीं से नई रो स्टार्ट करेंगे
उस तरह से आप इसको एंड पे ला के चेन बना के इसको एंड ख़त्म कर देंगे। अब आपने इन जितनी टेल्स हैं, जितनी भी टेल्स हैं, आपने इनको जो है सीव इन कर लेना है इन दी एंड, ठीक है। ये बैक साइड है लूप वाली और ये फ्रंट साइड मोबाइल कवर की। मैं यहाँ पर बटन अटैच करूँगी फ्रंट पे, बटन अटैच करके मैं आगे आपको गाइड करती हूँ। जी ये देखें, मैंने फ्रंट पे इस तरह से बटन ऐड कर दिया। बटन आपने मिडल में ऐड करना है, मतलब लूप के अकॉर्डिंग मिडल में आपने बटन अटैच करना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आपने जितनी भी टेल्स हैं हम सबको सीवन कर लेना है। अभी नीचे से हमारी ये साइड ओपन थी, ठीक है। मैंने आपसे स्टार्ट में बोला था कि हम एक लंबी सी टेल छोड़ेंगे, इसको हम कर लेंगे सीवन, ठीक है। सीवन करने के लिए हम इसको उल्टा करेंगे मोबाइल कवर इस तरह से, और इसको हम अंदर से सीवन कर देंगे। ये जो हमने टेल छोड़ी थी इन स्टार्ट, हम उसे सीवन कर देंगे, ठीक है। आपने मोबाइल कवर उल्टा करना है और उल्टा करने के बाद आपने इसको सीव इन कर लेना है इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। ये आसानी से हो जाएगा, इजीली इस तरह से आप इसको सीव इन करें और अच्छी तरह से सिक्योर करके एंड्स फिर आपने इसको कट कर देना है। इस तरह से आपने इसको सिक्योर कर देना है और इसको कट कर देना है। जितनी भी टेल्स हैं वो आपने सब इसी तरह नीडल के साथ आपने सीव इन करके को काट देना है। अब हम इस कवर को करेंगे सीधा अगेन, हमने ये उल्टा करके इसको किया था, हम इसको अगेन सीधा करेंगे और ये देखें ये नीचे से हमने सीव इन किया था, ये साइड बंद हो गई। सीधा करने के बाद ये देखिए नीचे से ये बंद हो गया। इस तरह से आपने सारी टेल सीव इन कर लेनी है और इस तरह से हम आपका जो मोबाइल है ये देखिए इस तरह से आपका मोबाइल कवर रेडी हो जाएगा। आप चाहें तो बड़ा बटन लगा सकते हैं इस पर, कोई कुछ भी, कोई भी ब्रोच टाइप बटन लगा सकते हैं, कोई खूबसूरती देने के लिए आप कुछ भी इस पे लगा सकते हैं। मैंने आपको ये देखें, ठीक है, ये जो बैक साइड थी ये इस तरह से बैक पे आएगी जहाँ पे हम लोगों ने इसको ज्वाइन किया था, और ये इस तरह से फ्रंट साइड, ठीक है। अब इस मैंने आपको फ्लावर्स सिखाए हैं, आप इस पे फ्लावर्स अटैच कर सकते हैं, पर्ल्स अटैच कर सकते हैं इस तरह से। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कितना इसको डेकोरेट करते हैं अपने मोबाइल को, कवर को, ठीक है। डिफरेंट कलर्स ले लें आप, बटरफ्लाई लगा लें, मैंने आपको हार्ट्स सिखाए हैं आप वो लगा सकते हैं, पर्ल्स लगा सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से डेकोरेट करते हैं मैचिंग कलर्स के साथ। फ्लावर्स लगा सकते हैं, बटरफ्लाई लगा सकते हैं, पर्ल्स लगा सकते हैं, हार्ट लगा सकते हैं और कुछ भी, ठीक है। तो ये आपका मोबाइल, सिंपल मोबाइल कवर, ये बहुत सिंपल मोबाइल कवर है जो कि स्टार्ट लर्निंग के लिए मैंने जिसका आपको ट्यूटोरियल दिया है। आई होप आपने अंडरस्टैंड किया होगा, समझा होगा। इसको बनाएं और अपने लिए बनाएं, अपनी फ्रेंड्स को गिफ्ट करें बना के। देखिए जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको जल्दी आएगा, तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, घर में गिफ्ट करें, फ्रेंड्स को गिफ्ट करें, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ही आपका जो है वो काम नीट होगा, आपका हाथ नीट होगा, उतनी जल्दी आप इसको सीख सकेंगे। इसको प्रैक्टिस करें, एक बनाएं, दो बनाएं, तीन बनाएं, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।